लेट मी टेल यू द आंसर्स. इनफैक्ट एक बात जरूर ध्यान रखो, इस तरह के सवालों में छोटी सी भी गलती टॉलरेबल नहीं होती है. आगे जो चीज मैं कराने जा रहा हूं, यह एग्जामिनेशन में जब अपीयर होती है तो फर्स्ट अपीयरेंस में यह ऐसा लगता है कि यह तो इनऑर्गेनिक की चीज है, यह तो रटने वाली चीज है, मगर अभी जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यू शुड कंक्लूड दैट ये कोई इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट नहीं है, कोई इनऑर्गेनिक की चीज नहीं है, यह कोई रटने वाली चीज नहीं है. इनफैक्ट यह तो बड़े ध्यान से हम खुद सोचें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छी तरह समझ लें, तो बड़ी अच्छी तरह से सोच समझकर बता सकते हैं. एक ऑब्जेक्टिव हर साल हमेशा इसी तरह से पूछा जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस पर. इस पर खास बात, मैं कोई असाइनमेंट आपको नहीं देने वाला हूं, ये तो आज का लेक्चर बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है, क्लास में समझ लिया, खत्म बात. आप हमेशा के लिए इसको अब अप्लाई कर सकते हो, कोई असाइनमेंट नहीं होगा आज के लेक्चर के बेसिस पर. मगर बड़ी अच्छी तरह समझ दो कि एक ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है जिसमें वह हमेशा पूछते हैं विच गैस वुड बी लिबरेटेड एट एनोड, विच गैस वुड बी लिबरेटेड एट कैथोड, और वो इस रिएक्शन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसमें आपको सोच समझ कर बताना होता है कि भाई इधर क्या होगा. देखिए, एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों जाएंगे एनोड पर. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का तो कोई रोल नहीं होगा, और हाइड्रोक्सिल और सल्फेट में हम अच्छी तरह से जानते हैं हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन ही ऑक्सीडाइज होता है. हाइड्रोक्सिल आयन जो कि सल्फेट से ऊपर है और उसका ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है. दिस वुड बी द रिएक्शन एट एनोड, वाइल एट कैथोड कॉपर आयन और एच पॉजिटिव आयन दोनों एनोड पर जाएंगे. एक्वस सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव आयन आएगा और कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन आएगा, यह दोनों कैथोड पर जाएंगे. और कैथोड पर जरा देखिए, कॉपर आयन और एच पॉजिटिव आयन, कॉपर आयन नीचे, कॉपर आयन का रिडक्शन होएगा, कॉपर आयन का इस तरह से रिडक्शन होएगा कैथोड पर. इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं. कॉपर आयन प्लस टू हाइड्रोक्सिल आयन गिविंग यू कॉपर मेटल हाफ ओ टू एंड एस टू ओ. क्या इस रिएक्शन को इसी तरह से लिखा रहने दें, क्या इसी तरह से लिखा हुआ छोड़ दें, इस तरह से लिखा रहने देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे? आंसर अधूरा है, अधूरा आंसर गलत के बराबर ही है. इस तरह से लिखा हुआ नहीं छोड़ सकते. कॉपर आयन हाइड्रोक्सिल आयन, क्या इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख दें, सी यू ओ एच होल ट्वाइस? कभी नहीं. क्या वहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है? नहीं, वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस कॉपर सल्फेट का करा जा रहा है. इसका मतलब रिएक्टेंट साइड वहां वाटर दिखना चाहिए, कॉपर सल्फेट दिखना चाहिए. हम दोनों तरफ सल्फेट आयन ऐड कर देते हैं. ये वही सल्फेट आयन है जो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ गया तो था, मगर जो ऑक्सीडाइज नहीं हो सका, हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीडाइज हो गए. दोनों तरफ हम 2H पॉजिटिव आयन ऐड कर देते हैं. ये वही H पॉजिटिव आयन है जो कॉपर आयन के साथ में गया तो था मगर रिड्यूस नहीं हो पाए. इस तरह से अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस OH नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव वाटर, और एक वाटर कैंसिल हो जाएगा तो H2O. रिएक्टेंट साइड कॉपर सल्फेट और एक्वस वाटर दिखने लगा, प्रोडक्ट साइड हमें दिख रहा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस H2SO4, एक वाटर वहां पर कैंसिल हो चुका. दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल.
एक्वस कॉपर सल्फेट को जो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कैथोड के ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे और सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, उसका पीएच वैल्यू कम होता जाएगा, वह सॉल्यूशन धीरे धीरे खट्टा होता जाएगा। एसिड्स सॉर टेस्ट की होती है, वह सॉल्यूशन को आप टेस्ट करेंगे तो आपको खट्टा लगने लगेगा। ऑटोमेटिकली यह रिएक्शन कभी नहीं होगी, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी पास करी है इसलिए यह रिएक्शन होगी। इस सेल को यदि मैं रिप्रेजेंट करने जाता हूं, आई विल रिप्रेजेंट इट इन दिस मैनर। प्लेटिनम सॉरी एक्वस कॉपर सल्फेट लिया गया है तो सिंगल बार के बीच में इस तरह से एक्वस कॉपर सल्फेट लिख दूं किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर पर। प्लैटिनम एनोड पर ऑक्सीजन गैस इज द प्रोडक्ट, कॉपर इज द प्रोडक्ट एट प्लैटिनम कैथोड। जो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें आपको यह सारी बात लिखना जरूरी थी। इसके साथ में यदि आप फिगर ड्रॉ करते हो दैट वुड बी ऑप्शनल थिंग, दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड थिंग। यदि आपने बनाया है अपने आप को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, दैट्स फाइन, मगर आपको अपना थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि बिना फिगर बनाए भी आप ये सारी बात एकदम से दिमागी दिमाग में सोचते। सेकेंड सेल का मैं एनालिसिस करता हूं, एक्वस कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक्वस कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमेशा सबसे पहले एनोड की रिएक्शन सोची जानी चाहिए। ये एनोड की रिएक्शन में पहले सोचने की क्यों बोल रहा हूं अभी मैं समझाऊंगा आपको। इनफैक्ट जो मैंने अभी चार एग्जाम्पल डिस्कस कराए उसमें चौथा एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो। चौथा एग्जाम्पल जो एक्वस NaCl विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, एक्वस NaCl विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, यदि उसमें आपने एनोड रिएक्शन पहले ना सोचकर कैथोड रिएक्शन पहले सोची होती तो आप गलती कर दिए होते। क्योंकि यदि आप कैथोड रिएक्शन पहले सोचते तो आप सोचते कि वहां पर दो ही कैटायन है, एच पॉजिटिव आयन और सोडियम आयन। आपको सिल्वर आयन की प्रेजेंस का तो पता ही नहीं होता, वहां पर आप गलती कर दिए होते। मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी आगे उस तरह के एग्जांपल में आने वाला हूं। एक्वस कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एनोड रिएक्शन पहले लिख रहे हैं, एनायन सोच रहे हैं पहले कौन कौन से हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों एनायन एनोड पर जाएंगे और हाइड्रोक्सिल और क्लोराइड की कॉम्पिटिशन में हमेशा क्लोराइड ही जीतता है। हाइड्रोक्सिल और क्लोराइड की कॉम्पिटिशन में हमेशा क्लोराइड जीतता है, क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पर और कैथोड पर, कैथोड पर कॉपर आयन एच पॉजिटिव आयन, कॉपर आयन एच पॉजिटिव आयन, एक्वस एच पॉजिटिव आयन और CuCl2 से कॉपर आयन, दोनों कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर उसको रिड्यूस होना है जो नीचे, कॉपर आयन नीचे है कॉपर आयन रिड्यूस होगा, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हुआ, दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। वहां पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Cu2Cl, सीधा CuCl2 लिख दूं मैं, CuCl2 गिविंग यू Cu+Cl2। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, इस बार वहां पर पानी है जरूर, एक्वस कंडीशन है जरूर, पानी है जरूर, मगर पानी का कोई रोल नहीं दिख रहा है। वहां पर पूरी तरह से CuCl2 का कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है, CuCl2 का क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। यह फिनोमेना तब तक चलेगा जब तक कि वहां पर CuCl2 है।
यदि मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, प्लेटिनम एनोड पर क्लोरीन गैस इज द प्रोडक्ट, इन एक्वेस CuCl2 और प्लेटिनम कैथोड पर कॉपर इज द प्रोडक्ट। मैं एक्वेस ZnCl2 इसके लिए लिखता हूं, एक्वेस ZnCl2 में क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पर जाएंगे। प्लेटिनम, हर जगह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसलिए इलेक्ट्रोड के रोल को तो भूल जाओ। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जहां ले ली, मतलब आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिए, मतलब आपको इलेक्ट्रोड का रोल सोचने की आवश्यकता नहीं। प्लेटिनम अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्लेटिनम का तो इस्तेमाल ही इसलिए करा जाता है कि यदि आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोड आपके इलेक्ट्रोलिसिस में कोई समस्या क्रिएट नहीं करे, उसका कोई रोल नहीं आया, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देते। इसलिए इधर हम इलेक्ट्रोड की बात सोच ही नहीं रहे। क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल दोनों एनोड पर गए, और क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल की कॉम्पिटिशन में हमेशा क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब रिड्यूस कौन होएगा जरा देखें, जिंक आयन और एच पॉजिटिव आयन, जिंक आयन और एच पॉजिटिव आयन दोनों एनोड पर जा रहे हैं, कौन ऑक्सीडाइज होएगा इसे समझने के लिए, तो कौन रिड्यूस होएगा इसे समझने के लिए, वंस अगेन जिंक आयन और एच पॉजिटिव आयन की रिलेटिव पोजीशन देखी जाए। एच पॉजिटिव आयन नीचे है, एच पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जब रिड्यूस होने की बारी आएगी तो एच पॉजिटिव आयन रिड्यूस होएगा। एच पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया, हाफ एस टू, दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख लेने के बाद दोनों को ऐड कर दें, एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव गिविंग यू हाफ एच टू प्लस हाफ सी एल टू। क्या रिएक्शन को इसी फॉर्म में लिखा हुआ छोड़ दें? नहीं, इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं छोड़ सकते। क्या H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को जोड़ के HCl लिख दे? कभी भी नहीं, HCl तो वहां पर लिया ही नहीं जा रहा है, एक्वा ZnCl2 लिया जा रहा है, तो वहां पर रिएक्टेंट साइड वाटर होना चाहिए और ZnCl2 दिखना चाहिए, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं दिख सकती। अब एक्वा ZnCl2 में दो क्लोरीन तो है ही वहां पर, जबकि अभी जो रिएक्शन दिख रही है उसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन दिख रहा है, तो दो क्लोरीन लाने के लिए वहां पर सबसे पहले इस रिएक्शन को पूरे को टू से मल्टीप्लाई करते, तो वहां पर दो क्लोराइड कम से कम बन गए। अब दोनों तरफ जिंक आयन ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ एक जिंक आयन ऐड कर देते हैं, ये वही जिंक आयन है जो एच पॉजिटिव आयन के साथ में गया था कैथोड पर, मगर निराश होकर लौट गया, रिड्यूस एच पॉजिटिव आयन हो गया। अब दोनों तरफ दो हाइड्रोक्सिल आयन भी जोड़ देते हैं, दो हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ जोड़ देते हैं। यह हाइड्रोक्सिल आयन वही है जो क्लोराइड आयन के साथ में एनोड तक गया था मगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सका। अब इस तरह से अब हम इस रिएक्शन को ऐड करके कंप्लीट कर देते हैं। इधर देखा है 2H पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल, इधर Zn प्लस 2HCl नेगेटिव मींस ZnCl2, और इधर देखा H2 प्लस Cl2 प्लस ZnOH होल ट्वाइस, दिस इज द रिएक्शन दैट वुड अकर इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जरा देखिए किस तरह से रिएक्शन दिख रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमने कैसे इस्तेमाल करा है और कैसे इस रिएक्शन को कंक्लूड करा है। हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लेटिनम एनोड पर क्लोरीन गैस इज द प्रोडक्ट, एक्वेस ZnCl2 एंड हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट एट प्लेटिनम कैथोड, हाइड्रोजन
इज द प्रोडक्ट प्लैटिनम कैथोड. This is the complete electrolytic cell reaction जो वहां पर होगी. तो आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं, but that would be for your own analysis. अब फोर्थ कंडीशन, एक्वेस ZnSO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों एनोड की तरफ जा रहे हैं. सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन जीतता है. ट्वाइस हाइड्रोक्सिल आयन would give you 2 electron plus half O2 plus H2O. Zinc ion और H positive ion में दोनों cathode की तरफ जा रहे हैं, जीतेगा हमेशा H positive ion. Zinc ion और H positive ion की competition में हमेशा H positive ion reduce होता है और इस तरह से reduce हो जाएगा. Electrons cancel करने के लिए इंटू टू, यह एनोड पर रिएक्शन है, यह कैथोड पर रिएक्शन है. ओवरऑल सेल रिएक्शन वहां पर जो होनी है, दैट इज आप देखें ट्वाइस एच पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ओ एच नेगेटिव गिविंग यू हाफ ओ टू प्लस एस टू प्लस एस टू ओ और H2O giving you H2 plus half O2. Once again, ZnSO4 SF catalyst है, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है. हल्का सा ZnSO4 जब आपने डाल दिया तो वहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा. ZnSO4 को सॉल्यूशन के अंदर कुछ नहीं होना है, वहां ऐसा कैसे रखा रहेगा, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा. और यह इलेक्ट्रोलिसिस तब तक चलेगा जब तक कि वहां पूरी तरह से सिर्फ हैवी वाटर नहीं बचा रहेगा. इसे रिप्रेजेंट मैं ऐसे करूंगा, प्लैटिनम एनोड पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट एक्वेस ZnSO4, हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट एट प्लैटिनम कैथोड. इन दिस मैनर I may represent this electrolytic cell. बड़े ध्यान से देखें और अगले जो मैं electrolytic cell दे रहा हूं इनको analyze करके दिखाएं. Aqueous CuCl2 with silver electrode, aqueous ZnCl2 with copper electrode, aqueous AgNO3 with silver electrodes. इन तीन के लिए इसी समय लिखे aqueous CuCl2 with silver electrode. पहले हमने aqueous CuCl2 का with platinum electrode कर रखा है, silver electrode. aqueous ZnCl2 with copper electrode. ऑलरेडी हमने platinum electrode के साथ कर रखा है. यदि कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाए तो क्या होगा, डिफरेंस को भी देखिएगा. एक्वेस AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड. इसी समय कैरी आउट
the analysis of these three electrolytic cells. Now, it's a simple analysis. इसमें सिर्फ हमने यह बताने की कोशिश करी है कि इलेक्ट्रोड्स का इफेक्ट कितना डोमिनेट कर जाता है. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जब पहले थी तब इलेक्ट्रोड का कोई इफेक्ट नहीं था, मगर जब हम इस तरह से रिएक्टिव मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, यदि हमने एक्वस CuCl2 में सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली, तो भले ही क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पर जाएंगे, मगर एनोड पर बैठा हुआ सिल्वर मेटल एटम उन्हें ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, वह स्वयं ऑक्सीडाइज होगा और एनोड पर सिल्वर इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और एक बार एनोड पर यदि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गया, अब जरा देखिए कैथोड पर H पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव दोनों जा रहे हैं, मगर Ag पॉजिटिव भी तो जा रहा है. अब जरा सोचिए इधर क्या गलती हो सकती है. यदि आपने कैथोड रिएक्शन पहले सोची, तो कैथोड रिएक्शन जब आप पहले सोचोगे तो कैथोड पर H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव जा रहा है, आपको पता ही नहीं होगा कि Ag पॉजिटिव भी एनोड से आना है, तो आप पंपिशन सिर्फ H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव की करवाओगे और गलत कंक्लूजन ड्रॉ करके H पॉजिटिव को रिड्यूस करवा दोगे, क्योंकि आपने कैथोड रिएक्शन पहले सोचना चालू कर दी और आपको Ag पॉजिटिव की प्रेजेंस का वहां पता ही नहीं है. आपने एनोड रिएक्शन जब पहले सोच ली और लिख ली, तो आपको यह बात पता है कि H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के साथ में Ag पॉजिटिव भी सॉल्यूशन के अंदर आ चुका है एनोड से ऑक्सीडाइज होकर. तो अब आप कैथोड पर Ag पॉजिटिव को ही रिड्यूस करवा दोगे, कैथोड पर आप यह रिएक्शन लिखोगे और अल्टीमेटली Ag एट एनोड वुड गिव यू Ag एट कैथोड, और हम कहेंगे Ag एनोड पर Ag पॉजिटिव इज द प्रोडक्ट इन एक्वस CuCl2 किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर पर. Ag इज प्रोडक्ट एट Ag कैथोड. अब इसी समय जरा कंपेयर कर लो कि पहले जब एक्वस CuCl2 होता था तो क्या रिएक्शन होती थी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, और सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ वहां क्या रिएक्शन होने लगी. इसी तरह से एक्वस CuCl2 विद कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्वस ZnCl2 विद कॉपर इलेक्ट्रोड, इस केस में एनोड पर क्लोराइड आयन भी है, हाइड्रोक्सिल आयन भी है, मगर हाइड्रोक्सिल और क्लोराइड आयन के होने से कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडाइजेबल मेटालिक कॉपर भी है. ऑक्सीडाइजेबल मेटालिक कॉपर एनोड पर है, वही कॉपर ऑक्सीडाइज होगा. कॉपर वुड गिव यू कॉपर आयन एट एनोड. और एक बार यदि कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर आ गया, तो कैथोड पर जिंक आयन है H पॉजिटिव आयन, जिंक आयन H पॉजिटिव आयन, साथ में कॉपर आयन भी वहां पर आ चुके. कैथोड पर जब रिडक्शन होएगा, तो रिडक्शन उसका होएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर आयन का, तो कॉपर आयन ही रिड्यूस होएगा. कॉपर आयन रिड्यूस हो गया कैथोड पर, और वहां पर कॉपर जो एनोड पर है दैट गेट डिपॉजिट एट कैथोड. एनोड का वजन कम होता जाएगा, कैथोड का वजन बढ़ता जाएगा, एनोड का कॉपर धीरे धीरे कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा,
सॉल्यूशन के अंदर ZnCl2 ऐसा कैसे रह जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपर एट एनोड गिविंग यू कॉपर आयन, एक्वस ZnCl2 किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर कॉपर कैथोड पर कॉपर इज द प्रोडक्ट। This reaction would take place in the electrolytic cell. और आप देखें पहले aqueous ZnCl2 के साथ कैसी कैसी रिएक्शन होती थी, मगर कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में एक साधारण सी रिएक्शन होने लगी। aqueous AgNO3 with Ag इलेक्ट्रोड, एनोड के Ag को ही ऑक्सीडाइज होना है, एनोड पर एजी को ही ऑक्सीडाइज और कैथोड पर एजी पॉजिटिव एच पॉजिटिव और एजी पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होकर भी आया है, एजी पॉजिटिव ही कैथोड पर रिड्यूस भी हो जाएगा। और वहां पर ओवरऑल यह रिएक्शन होगी Ag एनोड से कन्वर्ट होएगा Ag कैथोड पर, ओवरऑल Ag एनोड पर Ag पॉजिटिव इज द प्रोडक्ट इन एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन, Ag इज द प्रोडक्ट एट Ag कैथोड। This would be the electrolytic cell reaction would occur. अगला एनालिसिस इस समय करते हैं, aqueous copper nitrate with copper anode and silver cathode, then aqueous copper nitrate with silver anode and copper cathode, then aqueous AgNO3 with copper anode and silver cathode, and then aqueous AgNO3 with silver anode and copper cathode. अब इस सिचुएशन के लिए बड़े ध्यान से सोचिए, इस बार अभी तक मैं एनोड कैथोड पर सेम मेटल रखता था, अब मैं एनोड कैथोड पर अलग अलग मेटल रख के एनालाइज करवाता हूं। कॉपर नाइट्रेट कॉपर सिल्वर एनोड कैथोड को अदल बदल रहा हूं दोनों सिचुएशन में, और सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर सिल्वर एनोड कैथोड को अदल बदल रहा हूं। जरा बड़े ध्यान से सोचिए और सोच समझ कर लिखिए कि किस तरह के रिएक्शन आप सोचते हैं
इन चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाएगा, तो वहां पर किस तरह की रिएक्शन होगी। गिव 4 to 5 मिनट्स।